हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू नेहा किचन। आज हम बना रहे हैं अंडा करी। तो इसके लिए हमें चाहिए एक कटोरी प्याज। मैंने यहाँ पे दो प्याज लिया, इसे मैंने बारीक काट लिया है। तीन उबले अंडे। मसालों में हमें चाहिए नमक स्वाद अनुसार, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, एक पिंच जीरा, दो लौंग, दालचीनी का एक टुकड़ा, एक चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच चिकन मसाला, दो बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, बनाने के लिए सरसों का तेल। आइए इस रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ले लेंगे हम एक कढ़ाई। कढ़ाई को हम गरम कर लेते हैं। कढ़ाई हमारा गरम हो चुका है। हम डाल देंगे इसमें दो चम्मच तेल। हम तेल को गर्म होने देते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है। हम डाल देंगे इसमें अंडे। गैस का फ्लेम हम मीडियम कर लेते हैं। मैंने डाल दिए हैं यहाँ पे अंडे को और इसे हम फ्राई कर लेते हैं। हमें अंडे को अच्छे से फ्राई करना है। हमें इसे तब तक फ्राई करना है जब तक इसके ऊपर एक ब्राउन कलर की कोटिंग ना आ जाए। हम इसे फ्राई करेंगे। अब देख सकते हैं हमारा अंडा किसी दिन फ्राई हो गया और इसके ऊपर ब्राउन कलर की कोटिंग भी आ गई है। हम अंडे को निकाल लेते हैं। इसी कढ़ाई में हम डाल देंगे दो बड़ा चम्मच तेल। तेल हमारा गर्म हो चुका है। हम डाल देंगे इसमें जीरा, लौंग और दालचीनी को। इसे हम सेकेंड के लिए का लेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसे फ्राई कर लिया है। हम डाल देंगे इसमें प्याज। हम गैस का फ्लेम अभी लो रखेंगे और इसे हम फ्राई कर लेते हैं। इसे यहाँ पे फ्राई कर लिया है। अब डाल देंगे हम टमाटर। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने आपको इंग्रेडिएंट बताते समय टमाटर नहीं बताया था। तो हम डाल देंगे इसमें एक टमाटर इस तरह से काट करके और इसे हम फ्राई कर लेते हैं। साथ ही डाल देंगे हम इसमें थोड़ा सा नमक ताकि जो प्याज है और टमाटर है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो मैं डाल दिया यहाँ पे थोड़ा सा नमक। हम अभी ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे, हमें बस इसे सॉफ्ट करना है। तो हम बस थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसे हम दो चार मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसे 3 मिनट के लिए फ्राई कर लिया। अब डाल देंगे हम इसमें आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, दो चम्मच धनिया पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे हम मिक्स कर लेंगे। डाल देंगे हम इसमें चिकन मसाला और इसे भी हम मिक्स करेंगे। हम मसाले को तेज छोड़ने तक फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। हमें इसे ढककर पकाना है तो हम इसे ढक देते हैं। हमारा मसाला तेल छोड़ने लगा है तो हम इसे मिक्स कर लेंगे। हमने करीब इसे चार से पाँच मिनट तक पकाया है। इस तरह से हम इसे मिक्स करेंगे। डाल देंगे हम इसमें आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं। अब डाल देंगे हम इसमें थोड़ा सा नमक, क्योंकि हमने नमक स्टार्टिंग में भी डाला था तो हम थोड़ा अंदाज नमक डालेंगे। इसे मिक्स कर लेते हैं। आ जाते हमारे मसाले का कलर कितना अच्छा आया है। अब इसमें डाल देंगे हम करीब आधा कप पानी और इसे हम मिक्स कर लेते हैं। इसे हम लगातार चलाते हुए इसका पानी सूखने तक इसे फ्राई करेंगे।
तो हमने यहाँ पे पानी सुखने तक इसे पका लिया था। गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देते हैं और डाल देंगे इसमें हम अंडे को, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं ग्रेवी के साथ में। तो मैंने यहाँ पे इसे मिक्स कर दिया। अब डाल देंगे हम इसमें 1.5 कप पानी, और हम इसे ढक देते हैं। हम इसे करीब 8 से 10 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि जो अंडे वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले ग्रेवी को अपने अंदर। 8 मिनट हो चुका है, हम हटा देते हैं इसका ढक्कन और इसे हम मिक्स कर देंगे। देखते हैं हमारा करी कितने अच्छे से तैयार हो गया है। हम डाल देंगे इसमें गरम मसाला पाउडर और इसे भी हम ग्रेवी के साथ मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और हमारा अंडा करी अब तैयार है।